दोस्तों स्वागत है आप सभी का द कॉमर्स बडी चैनल में। तो फ्रेंड्स आज फिर से संडे है और संडे को गाइस हमेशा स्पेशल संडे होता है वीडियो। तो गाइस ऑलरेडी मैंने आपको पहले बना चुके हैं 4-5 संडे स्पेशल वीडियोस, और आज का गाइस हमारा नेक्स्ट संडे वीडियो होने वाला है। तो आज का भी गाइस स्पेशल होने वाला है। आज भी मैं आपको गाइस कोर्सेस बताने वाला हूँ जो की कोर्सेरा के 10+ कोर्सेस होने वाले। प्लस गाइस मैं आपको आज इंटर्नशिप्स भी बताने वाला हूँ जो कि 10+ इंटर्नशिप्स होने वाली। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप जल्दी कर सकते हो। तो पहले मैं आपको कोर्सेस बताऊंगा प्रॉपर, जिनको भी कोर्स लेने आप ले सकते हो। फिर गाइस मैं आपको 5 या 10 मिनट का ब्रेक दूंगा, और फिर 5-10 मिनट के ब्रेक के बाद अपन गाइस इंटर्नशिप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गाइस वीडियो को आखिरी तक देखना, तभी आपको समझ आएगा। और ये संडे का गाइस तो बहुत ही स्पेशल होता है, ठीक है। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना गाइस, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। प्लस अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना और एक लाइक जरूर करना गाइस, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूं गाइस, ठीक है। और अभी तक और मेरा एक मेन टारगेट अभी गाइस 500 सब्सक्राइबर का। तो आप लोग कोशिश करो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको दो वीडियोस बना के दूं एक दिन में गाइस, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक वीडियो बनाता हूं, ठीक है। अभी मेरा टारगेट है मेरा 500 सब्सक्राइबर का, तो आप जल्दी से वो मेरा पूरा कर दो गाइस, ठीक है। और अपन बेसिकली गाइस अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे गाइस, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब में द कॉमर्स बडी में गाइस, आपको प्लेलिस्ट में चले जाना है। वहां पर मैंने बेसिकली 5 डोमेन बना के रखे हैं, जिसमें आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, इंटर्नशिप या जॉब अपडेट्स मिल जाएंगे। फिर आपको गाइस मैंने स्पेशल संडेस मैंने आपको बता ही दिया है। फिर गाइस आपको केस स्टडी कॉम्पिटिशंस वगैरह मिलेंगे गाइस, और फिर उसके आपको स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो गाइस जिनको भी जो वीडियोस देखना आप जल्दी से देख सकते हो गाइस, कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। प्लस आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो गाइस, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है, तो आप वहां से ही मेरे को मैसेज कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन कोर्सेरा के, जो कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको अगेन 10+ कोर्सेस बताने वाला हूँ। अगेन बहुत ही अच्छे कोर्सेज है गाइस, हर फील्ड से रिलेटेड है। मतलब अगर आप कॉमर्स फील्ड के हो, साइंस फील्ड के हो गाइस, या आर्ट्स फील्ड के हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो गाइस। मैंने इसलिए हर डोमेन को कवर किया हुआ है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना गाइस, तभी आपको समझ आएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते गाइस, ये कोर्सेरा का प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हो यहाँ पे ढेरों आपको मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। आज मैं आपको कुछ स्पेशल कोर्सेज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली गाइस कोर्सेरा में अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लॉगिन या ज्वाइन फॉर फ्री। तो ऑलरेडी ये मैंने कोर्सेरा का बनाया हुआ है वीडियो गाइस, आपको आराम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कोर्सेरा का, और लास्ट में मैं वीडियो के प्लेलिस्ट भी दे दूंगा ये वाली कोर्सेरा की, तो आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो आपको कोशिश क्या करनी गाइस, कैसे अकाउंट बनाना, वो सब मैंने आपको बताया हुआ इस वीडियो में। आज से मैं आपको गाइस कोर्सेज बताऊंगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स अपन 1 घंटे कोशिश करेंगे, 1 घंटे तक हो जाए कंप्लीट अपना वीडियो, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन पहले नंबर के कोर्स के साथ, जो कि है गाइस गूगल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो गाइज ये बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट लीडरशिप और मैनेजमेंट का कोर्स दिया जा रहा है। आप भी जानते हो गाइज कि आज की डेट में अगर आपको कोई बिजनेस डेवलप करना है, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं गाइज आपके पास, तो कोई भी कंपनी आपको हायर कर लेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली कोर्स बनाया हुआ है प्रोफेशनल्स के लिए। प्रोफेशनल लिखा जरूर है गाइस, बट अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज में अगर आप फर्स्ट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में भी हो, तो भी आप ये वाला कोर्स ले सकते हो, क्योंकि आपके में एक एड ऑन डिग्री हो जाएगी प्रोफेशनल डिग्री, कि आपको गूगल का सर्टिफिकेशन मिला है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 4.8 रेटिंग्स है, और 27,516 स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं गाइस। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। और गाइस कैसे आपको फ्री सर्टिफिकेट चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा गाइस कैसे क्या करना है। तो बस आज मैं आपको अभी कोर्स बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा गाइस, तो वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, जैसे आपको पूरे कोर्सेस बता दूंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना, नहीं तो फिर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा कैसे क्या एनरोल वगैरह करना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो 4.8 रेटिंग्स है, और 27,516 स्टूडेंट्स यहाँ पे एनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर अपन बात करें कि भाई इधर क्या क्या चीजें हैं, तो आप देखोगे तो भाई बेसिकली आपको गाइस गेन एंड इमर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिस एंड स्किल्स नीडेड टू सक्सीड इन एन एंट्री लेवल प्रोजेक्ट। आपको कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होते, उसमें आप अगर बिगिनर लेवल के हो, तो गाइस आपको बताया जाएगा कैसे क्या करना है। फिर गाइस आप देखोगे एजाइल प्रोजेक्ट, स्क्रम, बहुत सारी चीजें गाइस आपको बताने वाले। फिर प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट कैसे क्या देखते हैं गाइस, बहुत सी चीजें
पे बताई गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, पर गाइस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप मेरी ट्रिक से काम करोगे, नहीं तो फिर गाइस आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट आप ऑफकोर्स नॉलेज ले सकते हो, मतलब आपको लेक्चर्स वगैरह मिल जाएंगे फ्री में, बट आपको गाइस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो सर्टिफिकेट के लिए गाइस आपको आखिरी तक मेरा देखना पड़ेगा वीडियो, जो कि मैं आपको कोर्सेज के बाद बताऊंगा, ठीक है, इंटर्नशिप के पहले। और तो इसलिए आप गाइस कोशिश करना कि आखिरी तक देखो, तभी आपको समझ आएगा। और 100% ऑनलाइन होने वाला है गाइस, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, बिगनर लेवल का आप देख सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली आपको 6 months लगेंगे कंप्लीट करने, और सब टाइटल गाइस इंग्लिश रहने वाला है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और गाइस आप कभी भी कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है, ठीक है। तो गाइस अगर आपने कोर्स कर लिया तो आपके पास क्या क्या स्किल्स आ जाएंगे, आप देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, करियर डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, फिर चेंज मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, बिजनेस राइटिंग, प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टास्क एस्टिमेशन और प्रोक्योरमेंट। तो गाइस इतनी सारी चीजें आपको भाई आप अपने स्किल्स में लिख सकते हैं, अगर आप ये वाला कोर्स बेसिकली कर लोगे तो आप ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का, ये तो आपके मतलब का नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। गाइस अपन कोर्सेज की बात कर ले तो गाइस आपको जस्ट नीचे ही स्क्रॉल करना है, तो आप देख सकते हो भाई इधर क्या क्या चीजें हैं। ये है आपका बेसिकली, देयर आर 6 कोर्सेस इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, जो कि गूगल का ही कोर्स है गाइस, इसमें आपको 6 प्रोफेशनल कोर्सेस मिलने वाले हैं, जो कि पहला रहने वाला गाइस फाउंडेशंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें बेसिकली अगर अपन बात करें तो शो ऑल में भी अगर आप जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको डिक्लाइनिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डिस्क्राइब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोजेक्ट, फिर एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं भाई, इंडस्ट्रीज में कहाँ कहाँ यूज होता है उसका, फिर डिफरेंट प्रोग्राम मेथड की मैनेजमेंट की मेथोलॉजीज क्या क्या होती है, फिर चेंज मैनेजमेंट और डिस्क्राइबिंग द रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर इन द प्रोसेस, ये सब गाइस आपको बताएंगे कोर्स वन में। फिर अपन कोर्स टू की बात कर ले गाइस, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट इनिशिएशन के बारे में बताएंगे, जिसमें बेसिकली स्टार्टिंग अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, आप कैसे एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो उससे रिलेटेड गाइस आपको बताने वाले हैं। फिर आप कोर्स थ्री की बात कर लो गाइस, तो कोर्स थ्री में गाइस आप देखोगे तो अगेन आपको गाइस डिस्क्राइबिंग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोजेक्ट की प्लानिंग कैसे करी जाती है, जितने भी कंपोनेंट्स है डिफरेंट डिफरेंट उसको आप मर्ज करके कैसे प्रोजेक्ट बना सकते हो, ये आपको बेसिकली कोर्स थ्री में बताया गया है, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट कोर्स की बात कर लेंगे गाइस, कोर्स फोर में आपको गाइस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, मतलब रनिंग द प्रोजेक्ट, आपने हर कंपोनेंट को भाई मर्ज कर दिया, अब उसके बाद आपको रन कैसे करना है उसके बारे में गाइस आपको कोर्स फोर में बताया जाएगा। अगर ये अपन शो मोर में करेंगे गाइस, तो ये दो और लास्ट है, जो कि कोर्स फाइव में रहेगा आपका एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी आप पढ़ सकते हो क्या क्या चीजें कवर है, और फिर गाइस आपका कैपस्टोन जो कि अप्लाइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन द रियल वर्ल्ड, वो गाइस आपका लास्ट होने वाला है। तो अब गाइस इसमें बेसिकली अब आप करोगे क्या, जैसे मैंने आपको हर चीज बता दिया, आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्टर्स कौन कौन है, फिर एनरोलमेंट ऑप्शंस क्या है, लोगों के एफएक्यूज क्या है, तो गाइस अगर आप कंप्लीट कर ले तो आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। और कुछ लोगों के क्वेश्चंस वगैरह थे, तो आप ये पढ़ सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब गाइस इसमें यहां पे आप देखोगे बेसिकली क्या दिखा है, एनरोल फॉर फ्री स्टार्ट्स फरवरी 6। तो गाइस अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो ये ऑप्शन डायरेक्टली आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये मेरे में फिर से ऐसा दिखाएगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे आपको कंटिन्यू विद गूगल, फेसबुक और एप्पल, तो गाइस अगर आप गूगल से करना है तो आप गूगल क्लिक कर दो, डायरेक्टली हो जाएगा, और फिर अपने अकाउंट जो भी आपका अकाउंट है उसमें क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट में एनरोल कर लो गाइस। तो जैसे ही आपने गाइस अकाउंट में एनरोल कर लिया तो आपके सामने ये आ रहा है, ये देखो एनरोल स्टार्ट Feb 5, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्ट करना तो यू कैन स्टार्ट, आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे गाइस आपको दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन इंक्लूड भाई आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे गाइस, आप देख सकते हैं 1 month इतना, 3 months इतना, 6 months इतना गाइस। तो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो गाइस आपसे चार्जेस लेने लगेंगे, अब मैं आपको इसलिए लास्ट में बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो जैसे ही आपने गाइस मेरा अकाउंट लॉग इन हो गया है, बट ये वाला कोर्स अभी मैं ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ये लोग क्या फीस मांग रहे हैं गाइस। तो आपको अब करना क्या है इसलिए मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, ठीक है। प्रॉपर कोर्सेस पूरे कंप्लीट कर लो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हमारा सेकंड नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि है सेल्स फोर सेल्स ऑपरेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ये भी गाइस बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है अभी, आप हर कंपनी में देखोगे तो सेल्स फोर्स की नीड है और बहुत ही ज्यादा गाइस हाई रेटिंग्स इसकी चल रही है। तो आप देखोगे तो 4.7 रेटिंग्स है ऑलरेडी, यहाँ पे 8,248 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे भी आप देखोगे गाइस तो बेसिकली आपको बिगनर लेवल का मिलने वाला है, अप्रॉक्सिमेटली 4 months लगेंगे इसको कंप्लीट होने गाइस। और यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो आपको बेसिकली रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे, चार्ट्स क्या क्या होते हैं, फिर डैशबोर्ड इन सेल्स फोर्स,
कम्युनिकेशन कैसे होता है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स परफॉर्मेंस, सीआरएम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, फिर सेल्स फोर सेल्स क्लाउडिंग क्या होता है, लाइटनिंग वगैरह, प्रोडक्ट्स कोट्स कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सी चीजें गाइस आपको बताने वाले। तो अगर गाइस आप सीख लोगे तो आपके सामने बेसिकली आप ये सब स्किल्स अपने रिज्यूम में लिख सकते हो, जो कि सीआरएम, सेल्स ऑपरेशन, सेल्स फोर लाइटनिंग, सेल्स फोर्स क्लाउड, लीड मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट, रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स और कस्टमर सोर्सेस। तो गाइस बहुत सी चीजें आप लिख सकते हो अगर आप ये वाला कोर्स कर लेते हो। तो आप बेसिकली यहाँ पे भी देखो तो फोर कोर्सेज दिए गए हैं इन दिस प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो पहला है गाइस कोर्स वन में आप देखोगे तो सेल्स एंड सीआरएम ओवरव्यू के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आप देखो गाइस तो 4.6 रेटिंग्स दी हुई है। फिर यहाँ पे गाइस आप कोर्स टू में देखोगे तो लीड मैनेजमेंट सेल्स फोर्स के बारे में बताया गया है। इसमें बेसिकली गाइस आपको कैसे आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं यूजिंग सेल्स फोर्स। फिर गाइस आपको कोर्स थ्री में आपको बेसिकली अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट इन सेल्स फोर्स, ये भी अगेन गाइस 4.7 रेटिंग्स है, तो बहुत ही अच्छा खासा कोर्स है गाइस। और फिर आपका गाइस कोर्स फोर में बेसिकली रिपोर्ट्स क्या क्या है, डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, कस्टमर सक्सेस इन सेल्स फोर्स, तो ये बेसिकली चार चीजें यहाँ पे कवर कराई गई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं भाई ये सब लर्न इंस्ट्रक्टर्स है जो कि आपको पढ़ाने वाले हैं गाइस यहाँ पे। फिर गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे आप ऑफर्ड ये सेल्स फोर्स का ही पढ़ सकते हो गाइस। ये बेसिकली सेल्स फोर्स एक कंपनी है गाइस, वहां की तरफ से ये बेसिकली कोर्स बनाते हैं, बट हर कंपनी यूज करती है सेल्स फोर्स ऑपरेशन गाइस। ठीक है, अब हमारा थर्ड नंबर कोर्स आ जाता है गाइस जो कि अगेन सेल्स फोर्स का है, बट ये है गाइस अब आपका सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। और जो मैंने आपको पहले बताया ये था ऑपरेशंस वाला, अब ये है गाइस आपका सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें भी गाइस आप देखोगे तो 4.5 रेटिंग्स है, ऑलरेडी यहाँ पे 14,060 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो बेसिकली आपको क्या क्या पर्पस होती गाइस सेल्स डेवलपमेंट की, रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करता है, फिर एसवी एकेडमी सेलिंग मेथोलॉजीज क्या क्या होती गाइस, फिर बेस्ट इन क्लास टेक टूल्स आपको बताए जाएंगे गाइस, क्या परफॉर्मेंस को कैसे आप मेजर कर सकते हैं, ये सब गाइस आपको बताने वाले। स्किल्स की बात कर ले गाइस, आपको स्किल्स डेवलपमेंट, इंटरव्यूइंग, सेल्स, टाइम मैनेजमेंट, कोल्ड कॉलिंग, टीम वर्क, पर्सनल एडवर्टाइजमेंट, ऑडियंस, पर्सनल ब्रांडिंग, रिज्यूमे राइटिंग, कोल्ड ईमेलिंग और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो गाइस इतनी सारी चीजें आप स्किल्स में अपने लिख सकते हैं अगर गाइस ये वाला प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर लेते हो। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप देखोगे तो फाइव कोर्सेस बताए गए हैं। का कोर्स वन में गाइस आप देखोगे तो ग्राउंड वर्क से बताया गया फॉर सक्सेस इन सेल्स डेवलपमेंट। फिर गाइस आपको ग्राउंड टू में बताया गया जो कि बेसिकली फाउंडेशन है फॉर इंटरव्यूइंग विद कॉन्फिडेंस। तो गाइस आप अगर सेल्स फोर्स कर लेते हो तो आपको वेरियस कंपनीज से कॉल्स आते हैं कि भाई हमारे यहाँ आप ज्वाइन करो, तो उसमें कैसे आप इंटरव्यू वगैरह फेस करोगे उससे रिलेटेड गाइस आपको कोर्स टू में बताया गया है। फिर गाइस आप कोर्स थ्री में बात करो तो कन्वर्सेशनल सेलिंग प्लेबैक फॉर एसडीआर। तो गाइस आप कैसे आप कस्टमर्स को या कैसे आप क्लाइंट्स से बात कर सकते हो रिगार्डिंग सेलिंग सेल्स फोर्स वगैरह, तो वो सब गाइस आपको कोर्स थ्री में स्ट्रेटजीज बताई गई हैं। और फिर आप कोर्स फोर में देखो गाइस तो बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू द स्पेक स्टाक, क्या क्या प्रोडक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। तो जिनको भी एनरोल करना गाइस आप कर सकते हैं। शो मोर में जाओगे तो आपको और मिल जाएंगे कोर्सेस इसी से। और ये जो आखिरी कोर्स है गाइस इसमें बेसिकली आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा जिससे आप नेविगेट कर सकते हैं प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स गाइस। तो ये भी आप ले सकते हो जिनको भी कोर्सेस लेने गाइस, इनसे सारे इंस्ट्रक्टर्स है गाइस जो कि आपको पढ़ाने वाले, बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट नंबर कोर्स आ जाता है गाइस जो कि फोर्थ नंबर कोर्स है, फाइनेंस एंड क्वांटिटेटिव मॉडलिंग फॉर एनालिसिस स्पेशलाइजेशन। तो गाइस ये बेसिकली अकाउंटिंग और फाइनेंस रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए गाइस, और बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4.5 रेटिंग्स है, ऑलरेडी यहाँ पे 20,212 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो बेसिकली आपको भाई अलग अलग चीजें मिल जाएगी जो कि भाई हार्नेस द पावर ऑफ स्प्रेडशीट्स टू मैप एंड प्रिडिक्ट डेटा, फिर रीड इनकम एंड कैश फ्रॉम स्टेटमेंट्स, फिर क्रिएट योर ओन क्वांटिटेटिव मॉडल्स, बहुत सी चीजें गाइस आपको बताई गई है। तो स्किल्स की अगर अपन बात कर ले गाइस तो आपको स्किल्स में भी आप देख सकते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग आपको बन सकता है गाइस, फिर कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग, फिर गाइस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको बन सकता है, फिर मॉडलिंग क्या होती है, लीनियर रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटिक मॉडल्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज पे बेस्ड होते गाइस वो आप कर सकते हो, फिर रिग्रेशन एनालिटिक्स क्या होता है, फिर मोंटे कार्लो मेथड जो कि डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती गाइस, फिर गाइस आप देखोगे लीनियर प्रोग्रामिंग एलपी के बारे में गाइस आपको बताया गया है, फिर गाइस डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो हर चीज गाइस आपको इनने वास्ट वैरायटी में कवर की हुई है। तो जिनको भी कोर्स लेना गाइस आप डायरेक्टली ले सकते हो। यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो आपको प्रॉपर मिल जाएंगे भाई
कि फोर कोर्सेज है गाइस जो कि स्पेशलाइजेशन पे है। बेसिकली गाइस आपको कोर्स वन मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ क्वांटिटेटिव मॉडलिंग, उससे रिलेटेड गाइस आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर गाइस आप देखोगे तो कोर्स टू में आपको इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट के बारे में बताया गया है, क्या क्या मॉडल्स होते हैं उससे रिलेटेड गाइस आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अगर अपन बात कर लें भाई क्या क्या मॉडल्स होते हैं, तो आप ये पढ़ सकते हो अपने हिसाब से गाइस, और हर की रेटिंग्स दी हुई है अलग अलग। फिर गाइस आपको कोर्स थ्री में फाइनेंशियल एक्यूमेन फॉर नॉन फाइनेंशियल मैनेजर्स, मतलब गाइस अगर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आपको प्रॉपर यहाँ पे सिखाया जाएगा क्या क्या चीजें होती है, हर चीज गाइस बताई जाएगी। और फिर जो आपका कोर्स फोर है उसमें बेसिकली गाइस आपको इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बताएंगे गाइस, जिसमें बेसिकली अलग अलग चीजें जो कि एसेट की वैल्यूएशन क्या होती है, फिर बजट कैपिटल बजटिंग कैसे करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, हर्डल रेट, तो ये सब गाइस आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। फिर गाइस आप इंस्ट्रक्टर्स भी देख सकते हैं जो कि अलग अलग हैं गाइस, ये लोग आपको पढ़ाएंगे। फिर गाइस ये बेसिकली पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जा रहा है कोर्स यहाँ पे, और फिर लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप इनको भी पढ़ सकते हो अपने हिसाब से गाइस, ठीक है। तो ये भी अमेजिंग कोर्स है गाइस, जिनको भी अगर लेना है फाइनेंस की फील्ड से रिलेटेड है गाइस, तो आप ये अलग डायरेक्टली ले सकते हो, और आप फ्यूचर में फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी रोल कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा फिफ्थ नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि अगेन गूगल की तरफ से दिया जा रहा है, और ये बिग क्वेरी बेसिक्स फॉर डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है गाइस। अगेन डेटा साइंस या डेटा एनालिस्ट वाले जो स्टूडेंट्स है वो लोग ये वाला कोर्स अप्लाई कर सकते हैं गाइस, एनरोल कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे भी आप देखो तो 4.7 रेटिंग्स है, ऑलरेडी यहाँ पे 3728 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो आपको प्रॉपर बताया गया कोर्स कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, फ्लेक्सिबल डेडलाइन है, मतलब ऐसा नहीं है कि गाइस आप कभी भी, मतलब एक डेडलाइन आ जाएगी आप कभी भी इसको कर सकते हैं गाइस, लाइफ टाइम एक्सेस है, बस आपको अपने माय लर्निंग में इस कोर्स को ले लेना और कुछ नहीं करना गाइस, ठीक है। फिर गाइस आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पर सर्टिफिकेट की गाइस ट्रिक है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अगेन। फिर गाइस 100% ऑनलाइन होने वाला है, बिगनर लेवल का कोर्स है गाइस, और अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स लगेंगे गाइस इसको कंप्लीट करने में, और आपको अगेन इंग्लिश में मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी गाइस अगर आप सिलेबस की बात कर लो तो सिलेबस में गाइस आपको बेसिकली इनने ऐसे डिजाइन किया हुआ है सिलेबस, आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली गाइस आपको एक एक वीक, आपको वीक वन में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो आप देख सकते हो बिग क्वेरी फॉर डेटा एनालिटिक्स, जिसमें आपको 5 आवर्स का कंप्लीट लेक्चर मिलेगा, कुछ रीडिंग भाई असाइनमेंट्स है वो सब आपको देखने हैं, और फिर आप लोगों के रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं कि गाइस कैसा क्या कोर्स है ये, हर चीज उन्होंने बताई गई है गाइस, ठीक है। तो जिनको भी गाइस ये वाला कोर्स लेना आप डायरेक्टली ले सकते हो, ठीक है। और फिर इसमें गाइस अपन सिलेबस की बात कर, सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। स्किल्स की बात कर ले गाइस तो आप बिग क्वेरी डेटा लैंग्वेज के बारे में सीख सकते हैं, फिर डेटा एनालिटिक्स क्या होता है उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है, फिर डेटा एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये सब बेसिकली गाइस आपकी कंप्यूटर लैंग्वेजेस है उससे रिलेटेड यहाँ पे गाइस आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली है। तो जिनको भी गाइस कोर्स एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, गूगल की तरफ से दिया जा रहा गाइस, तो आपको सर्टिफिकेट भी गूगल वाला मिलने वाला है। तो जिनको भी गाइस एनरोल करना है आप कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको फीस देनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको लास्ट में ट्रिक बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर गाइस नेक्स्ट हमारा कोर्स है, आप देख सकते हो क्रिएटिंग अ सेल्स डैशबोर्ड यूजिंग पावर बीआई। तो गाइस ये भी बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, जिसमें गाइस आपको सेल्स डैशबोर्ड के बारे में बताया गया यूजिंग बिजनेस पावर बिजनेस एनालिटिक्स गाइस। तो इसमें भी बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, ये भी अगेन डेटा साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, और यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो ये कोर्सेरा ही ये वाला बेसिकली कोर्स दे रहा है। तो यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे गाइस आपको अलग अलग डेटा स्किल्स यू विल डेवलप, जो कि इंटरेक्टिव मैप्स होते हैं, सेल्स डैशबोर्ड होता है, फिर डेटा को आप विजुअलाइज कैसे कर सकते हो, फिर गाइस आपको बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, तो उससे रिलेटेड गाइस आपको बहुत ही अमेजिंग बताया गया। प्रॉपर ये लोग एक्सेल में वर्क करते हैं, और गाइस आपको एक्सेल से ही बताया जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट के ओवरव्यू क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग द डेटा, सिलेक्टिंग डैशबोर्ड बैकग्राउंड, डैशबोर्ड आप देख सकते हैं गाइस डिफरेंट डिफरेंट डैशबोर्ड आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, फिर विजुअलाइजेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग सेगमेंट्स कैटेगरीज एंड मार्केट्स, और फिर गाइस आप विजुअलाइजेशन एंड इंटरेक्टिव मैप्स, तो आप ये सब इमेजेस भी देख सकते हो गाइस, पावर बीआई का कितना ज्यादा यूज है गाइस यहाँ पे अलग अलग आप देख सकते हो, इन लोगों ने मॉडल्स वगैरह क्रिएट किए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। तो बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली, जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप कर सकते हो, यहाँ पे गाइस आपको मिल जाएंगे जो कि इंस्ट्रक्टर है बेसिकली, और यहाँ पे गाइस आप ये सब भी देख सकते हो क्या क्या चीजें हैं।
हर चीज यहाँ पे बताई गई है, जिनको भी एनरोल करना है आपको बस यहाँ पे भी स्टार्ट गाइड प्रोजेक्ट कर देना और आपका डायरेक्टली चालू हो जाएगा। तो नो डाउनलोडेबल नीड, आपको कुछ डाउनलोड नहीं करना गाइस, इंग्लिश में रहेगा और बिगनर लेवल का और 1 ही घंटे का, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स होने वाला है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि आईबीएम की तरफ से दिया जा रहा है। आईबीएम की तरफ से गाइस बहुत ही अमेजिंग कोर्स दिया जा रहा है, आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन डेटा इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो कि अगेन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ पे कैसे डेटा को मैनेज करते हैं यूजिंग बाई एसक्यूएल, आरडीबीएमएस, ईटीएल, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, डेटा वेयर हाउसिंग, नो एसक्यूएल, बिग डेटा, फिर स्पार्क विथ हैंड्स ऑन जॉब ऑलरेडी। तो गाइज ये अगर कोर्स कर लो गाइज, फिर आप आईबीएम में अप्लाई करोगे, हो सकता है आपको सिलेक्शन हो जाएगा इस आपका, क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे भी आप देखो गाइज, तो 4.7 रेटिंग्स है, अच्छी खासी इन्हें रेटिंग्स भी दी हुई है गाइज ऑलरेडी। यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो 11,560 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। यहाँ पे भी गाइस अगर अपन राइट साइड में देखें तो ये शेयरेबल सर्टिफिकेट भी गाइस आपको मिलेगा। 100% ऑनलाइन होने वाला है गाइस, पूरा फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने वाला है, मतलब आप कभी भी दे सकते हो गाइस, लाइफ टाइम एक्सेस है, कुछ आपको पे नहीं करना है यहाँ पे गाइस। फिर बिगिनर लेवल का कोर्स होने वाला है गाइस आपका ये, और अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 15 मंथ्स, ठीक है। तो गाइस बट आपके ऊपर है, मतलब आप जल्दी कंप्लीट कर लो तो भाई जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आप जितनी देर से करोगे तो भाई उतना टाइम लगेगा, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। और गाइस ये प्रॉपर आपको इंग्लिश सब टाइटल में मिल जाएगा। यहाँ पे अगर अपन बात कर ले तो आप क्या क्या स्किल्स सीख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो तो क्रिएटिंग, डिजाइन और मैनेज रिलेशनशिप डेटाबेसेस एंड अप्लाई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स टू आरडीबीएमएस सच एज MySQL। फिर अलग अलग जो कि उनके भाई सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें आपको काम करवाया जाएगा। फिर गाइस आप देखो तो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्किंग नॉलेज, जिसमें आप बेसिकली नो एसक्यूएल, बिग डेटा, जो कि भाई यूजिंग MongoDB, MongoDB अगेन आपने सुना ही होगा, इस बहुत ही फेमस है। फिर गाइस बहुत से हैं इसमें, हडूप है, अपाचे है, स्पार्क है, स्पार्क एसक्यूएल है, स्पार्क ML है, और फिर स्पार्क स्ट्रीमिंग के बारे में गाइस बहुत सी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप जल्दी से जल्दी यहाँ पे एनरोल कर सकते हो। फिर गाइस आप देखोगे तो यहाँ पे आपको भाई डेवलपिंग और एग्जीक्यूटिंग एसक्यूएल क्वेरीज के बारे में बताया गया है, जो कि आपकी अगेन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है गाइस, जिसमें बेसिकली आप सिलेक्ट करते हो, इंसर्ट करते हो, फिर अलग अलग फंक्शंस जो कि अपडेट्स के होते हैं, डिलीट स्टेटमेंट्स, डेटाबेस फंक्शंस, कैसे आप उनको स्टोर करते हो उन डेटाबेसेस को, और फिर क्या क्या डिफरेंट नेस्टेड क्वेरीज होती हैं, वो सब गाइस आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर गाइस आप देखो तो इम्प्लीमेंटिंग ETL, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड को आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। फिर गाइस आपको डेटा पाइपलाइंस के बारे में बताया गया है यूजिंग बैश, ईयर फ्लो। फिर गाइस आपको आर्किटेक्ट, पॉपुलर, डिप्लॉय डेटा वेयर हाउस, क्रिएटिंग BI रिपोर्ट्स एंड इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स। तो गाइस बहुत सी चीजें यहाँ पे लोगों ने कवर करी है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा गाइस, आप जल्दी से जल्दी एनरोल कर सकते हैं। अपन स्किल्स की बात कर ले गाइस, तो यहाँ पे भी आपको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि भाई अगेन SQL का सॉफ्टवेयर है गाइस, RDBMS। फिर गाइस आपको ETL और डेटा पाइपलाइंस के बारे में बताएंगे गाइस, जो कि भाई आप फाइल्स, जो कि लार्ज फाइल्स होती है, उनको आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यहाँ पे गाइस। फिर आपको नो एसक्यूएल और बिग डेटा के बारे में बताएंगे कि भाई क्या क्या सर्वर्स होते हैं, अपैचे स्पार्क के बारे में बताया जाएगा गाइस यहाँ पे। फिर गाइस आपको SQL, डेटा साइंस, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के बारे में गाइस बताया जाएगा। फिर पाइथन प्रोग्रामिंग गाइस बहुत ही अमेजिंग, अगर आपको गाइस पाइथन आपने सीख ली तो गाइस आप गेम्स, वेबसाइट डेवलपमेंट हर चीज कर सकते हो, तो पाइथन भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी गाइस। डेटा एनालिसिस मैंने आपको पहले ही बता दिया, पांडास और नंपी, तो गाइस ये भी बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है पांडास और नंपी, इसके बारे में गाइस आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे अगर अपन बात कर ले भाई कोर्स कंटेंट की, तो कोर्स कंटेंट में गाइस आप देखोगे तो हर चीज बताई गई है, जिसमें आपको कोर्स वन में बेसिकली इंट्रोडक्शन टू डेटा इंजीनियरिंग, कि भाई डेटा इंजीनियरिंग में क्या क्या चीजें होती है। और यहाँ पे भी आप देखोगे तो 4.8 रेटिंग्स है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको भाई आर्किटेक्चिंग, डेटा प्लेटफॉर्म्स, डिजाइनिंग डेटा स्टोर्स, गैदरिंग, इम्पोर्टिंग, रैंगलिंग, क्वेरिंग, एनालाइजिंग डेटा, आप कैसे डेटा को एनालाइज कर सकते हो। फिर वो इंक्लूड्स करता है भाई मॉनिटरिंग, फिर आपको गाइस हर चीज यहाँ पे बताई गई है A to Z, ठीक है। तो डेटा इंजीनियरिंग से भी रिलेटेड बताया गया, क्योंकि ये भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग फील्ड है, अपन भी जानते हैं
फिर गाइस आप देखोगे तो कोर्स टू में गाइस बेसिकली आपको पाइथन फॉर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट के बारे में गाइस बताया गया है। यहाँ पे भी आप देखो तो 4.6 रेटिंग्स है ऑलरेडी। यहाँ पे गाइस आप देखो तो IBM के अप्लाइड जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन होते हैं उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। फिर एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड, और फिर क्या क्या उनके सर्टिफिकेशन होते हैं उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। फिर अपन गाइस कोर्स थ्री की बात कर ले तो कोर्स थ्री में गाइस आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको अगेन 4.6 रेटिंग्स दी गई हैं लोगों ने, और प्री रिक्विजिट में गाइस आपको बेसिकली डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट से रिलेटेड बताने वाले हैं। फिर उनका क्या यूजेस होता है प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट्स में, फिर उनके भाई क्या क्या पॉलिसीज यूजिंग पाइथन और डेटा के रिगार्डिंग आपको बताने वाले गाइस। फिर आपका जो कोर्स फोर रहेगा उसमें बेसिकली गाइस आपको 4.6 रेटिंग्स अगेन इसमें भी दी हुई है, और इसमें भी गाइस आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डेटाबेसेस जो कि मैंने आपको अगेन बताया गाइस SQL का होने वाला है ये, जिसमें आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन मिलेगा लर्निंग का। फिर रियल डेटाबेसेस क्या क्या होते हैं और एक्सप्लोर रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस के बारे में बताया गया है गाइस। और फिर शो मोर में जाओगे गाइस तो आपको यहाँ पे कोर्स फाइव में मिलेगा जो कि अगेन डेटाबेसेस और SQL फॉर डेटा साइंस विद पाइथन होने वाला है। यहाँ पे भी आप देखो तो ऑलरेडी 4.6 रेटिंग से मतलब आप देख सकते हैं कितना अच्छा कोर्स है, और 14,506 स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी अगर अपन बात कर लें गाइस तो शो ऑल में आप जाओगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको भाई डेटा बेसिस SQL पाइथन प्रोग्रामिंग उससे रिलेटेड गाइस आपको यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको भाई प्रॉपर यहाँ पे आपको भाई कोई भी चार्ज वगैरह तो है नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिजिटल बैच भी आपको मिलेगा IBM का। तो गाइस डिजिटल बैच बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना ऐसे आपको एक बैच मिलता है, उस बैच को गाइस आपका प्रॉपर एक लाइसेंस नंबर होता है, तो उस बैच को गाइस आप कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं अपने लिंक्डइन या रिज्यूमे में कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं। उससे एक आपका ये पता चलता है कि गाइस इस बंदे ने या बंदी ने ये प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। फिर गाइस आप कोर्स सिक्स की बात कर लो गाइस बेसिकली इसमें आपको हैंड्स और इंट्रोडक्शन टू लिनक्स कमांडिंग के बारे में बताया गया, और शेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया। तो जिसमें गाइस आप देख सकते हो कोटिंग वेरिएबल्स, कमांडिंग सब्स्टिट्यूशंस, फिर आपको IU रीडायरेक्शन क्या होता है, पाइप्स और फिल्टर्स के बारे में बताया गया गाइस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, हर चीज गाइस इन्होंने कवर करी है, ठीक है। फिर अपन कोर्स सेवन की बात कर ले, अच्छा है गाइस ये वाला बेसिकली, इसमें आपको कितनी चीजें मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में गाइस, है ना। तो वो फ्री कैसे होएगा वही मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस फिर आपका एक कोर्स सेवन में आप देखो तो ETL और डेटा पाइपलाइंस के बारे में बताया गया गाइस, जो कि शेल्स होते हैं, एयर फ्लो होते हैं, कफका होते हैं गाइस, तो बहुत सी चीजें गाइस मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी है। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना है डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बेसिकली आपको डेटा को कैसे आप भाई एक्सट्रैक्ट कर सकते हो लॉजिकली और फिजिकली, डेटा रिपोजिटरीज क्या क्या होते हैं उनको भाई आप डेस्टिनेशन सिस्टम्स क्या क्या होते हैं, वेरीफाइंग डेटा क्वालिटी, आप डेटा को भाई कैसे अपना एक क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव क्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे गाइस। फिर मॉनिटरिंग लोड फेलियर्स, अगर भाई कोई फेल हो जाए फीचर्स वगैरह तो उनको आप कैसे मॉनिटर कर सकते हो उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। फिर गाइस आप कोर्स एट की बात कर लो तो गाइस इसमें आपको अगेन डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में बताया गया है। अगेन डेटा वेयर हाउसिंग गाइस बहुत ही चलता है, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स के बारे में भी गाइस आपको बताया गया है। यहाँ पे भी आप देखो तो IMA, कॉग्नोज, रिपोर्टिंग, डेटा डैशबोर्ड फीचर्स इंक्लूडिंग विजुअलाइजेशन, आपको बेसिकली विजुअलाइजेशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट विजुअलाइजेशन होते हैं, फिर आपको ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, पाई चार्ट, ये सब गाइस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ELT की प्रोसेस क्या होती है, उनको एनालाइज कैसे करा जाता है, फिर गाइस बहुत सी चीजें यहाँ पे। कोर्स नाइन की बात कर लें गाइस तो आपको फिर यहाँ पे आपको रिलेशनल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे गाइस, जो कि अगेन SQL का ही एक पार्ट है गाइस। यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपको ऑथेंटिकेशन, असाइनिंग रोल्स, कैसे आप गाइस रोल्स को असाइन कर सकते हो, फिर असाइनिंग ऑब्जेक्ट लेवल परमिशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो कि परमिशंस होती है, सिस्टम फेलियर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब गाइस आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो बहुत सी चीजें गाइस आपको रेगुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट टेस्ट मिलेंगे, फिर सेंट ऑटोमेटेड मैसेजेस आपके रहने वाले हैं गाइस, ठीक है। फिर हमारा कोर्स 10 आ जाता है गाइस, बहुत ही अच्छा लंबा लंबा लेक्चर है गाइस, आप देख सकते हो खत्म ही होने वाला बस, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आप कोर्स 10 में आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको 4.6 रेटिंग्स भी मिलेगी, और यहाँ पे भी गाइस आपको बेनिफिट्स बहुत बताए गए नो SQL डेटाबेसिस के,
फिर गाइस आपको आईबीएम क्लाउड एंड के बारे में बताया गया है, फिर रेप्लिकेटिंग डेटाबेसेस क्या होते हैं, लोडिंग उनको कैसे करते, क्वेरिंग डेटा, मॉडिफाइंग डेटाबेस परमिशंस, हर चीज गाइस आपको बताई गई है ए टू जेड, ठीक है। फिर गाइस अपन कोर्स 11 की बात कर लें, तो कोर्स 11 में बात करें गाइस तो आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन बताया गया है टू डिबिग डेटा विद स्पार्क एंड हडूप। तो गाइस हडूप और स्पार्क गाइस बेसिकली ये भी कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं गाइस, आपने भी इनका यूज देखा ही होगा, हर जगह यूज होता है। इसमें बेसिकली गाइस आप रिलायबल रिपोर्ट्स बनाते हो, फास्ट रिपोर्ट्स बना लेते हो, हर चीज गाइस आपको बताई गई है, ठीक है। अब हमारा जो कि कोर्स 12 है गाइस, इसमें आपको बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग और मशीन लर्निंग से रिलेटेड गाइस आपको मिलेगा, जिसमें बेसिकली स्पार्क फाउंडेशन होने वाला है ये भी। और अगेन गाइस आपको भाई कैसे ऑर्गेनाइज है, कैसे आप भाई स्पेस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग स्ट्रीमिंग ETL वगैरह कैसे आप लोड कर सकते हैं नोटबुक्स में गाइस, बिग डेटा और हडूप रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है, ठीक है। और हमारा भाई कोर्स 13 है जो कि लास्ट कोर्स है गाइस, इसमें डेटा इंजीनियरिंग कैपस्टोन प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया गाइस, जिसमें आपको बेसिकली IBM की डेटा इंजीनियरिंग कैसे भाई सर्टिफिकेशन होता है, फिर उनकी भाई कैसे डेटा इंजीनियरिंग वो लोग यूज करते हैं डेली एल्गोरिथम बेसिस पे, तो ये सब गाइस यहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक है। आप इंस्ट्रक्टर्स की बात कर लो गाइस तो बहुत ही अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स है गाइस, सब आपको गाइस बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, जिसमें आप जो लोग सभी लोग IBM में काम करते हैं गाइस, वो लोग आपको प्रॉपर स्ट्रेटजीज वगैरह बताएंगे कैसे क्या करना है, हर चीज गाइस आपको बताई जाएगी। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, प्लस आप IBM के बारे में भी पढ़ सकते हो गाइस, और लोगों के कुछ कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस भी थे गाइस, तो आप इनको भी देख सकते हो, ठीक है। तो अमेजिंग होने वाला है गाइस, जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली वाला कोर्स एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, डेटा इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि गूगल की तरफ से दिया जा रहा है, और अगेन गाइस ये UX डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होने वाला है। एक और मैंने आपको गूगल का बताया था गाइस, बट वो वाला गूगल का गाइस आपका दूसरा था, जिसमें आपको प्रोग्रामिंग वगैरह बताई गई है, बट ये वाला भी गाइस बेसिकली UX डिजाइन का होने वाला है। यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको गाइस 4.8 रेटिंग्स है ऑलरेडी, यहाँ पे 330,985 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो बेसिकली एक शेयरेबल सर्टिफिकेशन होने वाला है, 100% ऑनलाइन होने वाला है गाइस, आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, मतलब फ्लेक्सिबल है गाइस, आप कभी भी इनको देख सकते हो। और बिगिनर लेवल का गाइस, तो ऐसा नहीं कि भाई आपको भाई कुछ बहुत ही ज्यादा नॉलेज चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो, कुछ आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, और आपको इंग्लिश सबटाइटल मिलेगा गाइस प्रॉपर। तो यहाँ पे गाइस अपन बात कर लें क्या क्या चीजें हैं, तो गाइस यहाँ पे आपको डिफाइनिंग पेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, इडियट सॉल्यूशंस, डिफरेंट डिफरेंट जो कि लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं गाइस, फिर क्रिएटिंग वायर फ्रेम्स, कैसे गाइस आप वायर फ्रेम्स बना सकते हैं, उनके प्रोटोटाइप क्या क्या होते हैं, फिर उसमें टेस्ट और इटरेट ऑन डिजाइंस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट आपको डिजाइंस बताई जाती हैं, फिर अप्लाइंग फाउंडेशंस UI कोर्सेस, उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया है, अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ UI UX रिसर्च लाइक प्लानिंग, कैसे आप गाइस प्लानिंग कर सकते हो, फिर रिसर्च उसमें कैसे कर सकते हो, कंडक्टिंग डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज, उनके क्या क्या स्टडीज होती है, हर चीज गाइस आपको बताई गई है। तो स्किल्स की अगर आप बात कर लें गाइस, तो आपको यूजर एक्सपीरियंस UX के बारे में पता चलेगा, क्या क्या रिसर्च होती है उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया जाएगा, वायर फ्रेम क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोटाइप्स जो कि अपन देखते हैं गाइस उनका क्या यूज रहता है, फिर यूजर एक्सपीरियंस की डिजाइन क्या क्या होती है, फिर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, आप यूजेबिलिटी को टेस्ट कैसे कर सकते हो गाइस, और फिर मॉकअप्स क्या क्या होते हैं गाइस, फिग्मा और एडोब XD, तो गाइस एडोब का भी आपको यूज पता ही होगा कितना ज्यादा यूज है उसका, उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया है। तो हर चीज यहाँ पे आपको मिलने वाली गाइस, तो जिनको भी एनरोल करना आप डायरेक्टली ले सकते हो गाइस। यहाँ पे आप अपन कोर्सेज की बात कर लें गाइस, तो सबसे पहला आपका कोर्स 1 में गाइस आपको फाउंडेशंस बताया गया यूजर एक्सपीरियंस का, जिसमें बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन्स होने वाली है। यहाँ पे आप देखो तो डिफाइनिंग द फील्ड ऑफ UX एंड एक्सप्लेनिंग व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कंज्यूमर्स और बिजनेसेस, फिर गाइस अंडरस्टैंडिंग फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स इन UX डिजाइन सच एज यूजर सेंटर्ड डिजाइन क्या होती हैं, फिर उनकी डिजाइनिंग प्रोसेस की एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, फिर इक्विटी फोकस कैसे की जाती है गाइस, फिर आइडेंटिफाइंग एंड अ फैक्टर दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रेटर यूज एक्सपीरियंस डिजाइन, कैसे गाइस आप ग्रेटर यूज कर सकते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है गाइस, उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया है। फिर एक्सप्लेनिंग वाई डिजाइन स्प्रिंट्स एंड आर इम्पोर्टेंट यूजफुल टूल ऑफ UX डिजाइन वर्क,
कैसे डिजाइन वगैरह वर्क करती है उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया है। फिर अपन कोर्स टू की बात कर ले गाइस, तो आपको भाई स्टार्ट द यूएक्स डिजाइन प्रोसेस, जिसमें आपको भाई एम्फसाइज, डिफाइन और इडिएट के बारे में गाइस आपको बताया गया है। यहाँ पे भी आप देखो तो 4.8 रेटिंग्स है, और यहाँ पे भी आपको भाई क्या क्या डिस्क्राइबिंग कॉमन यूएक्स रिसर्च मेथड्स क्या क्या होती हैं, फिर एम्फसाइज विद यूजर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड पेन पॉइंट्स, तो गाइस हर चीज आपको बताई गई। यहाँ पे गाइस आपको जनरेटिंग आइडियाज फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, फिर गाइस कंडक्टिंग कॉम्पिटिटिव ऑडिट्स, कैसे आप ऑडिट्स वगैरह कर सकते हो गाइस, आइडेंटिफाइंग एंड अकाउंटिंग फॉर बायसेस इन यूएक्स रिसर्च, उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है, ठीक है। फिर अपन कोर्स थ्री की बात कर लेंगे गाइस, आपको इसमें बेसिकली बिल्डिंग वायर फ्रेम्स और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स के बारे में गाइस आपको बताया गया है, जिसमें बेसिकली गाइस आपको डेवलपिंग अ गोल स्टेटमेंट, कैसे आप भाई गोल क्रिएट कर सकते हो, डिफरेंट टू टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स आपको बताए गए हैं, जो कि बिग पिक्चर और क्लोजअप होता है, फिर आपको अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द लो फिडेलिटी एंड हाई फिडेलिटी, उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है, फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हो अपने बेसिक्स ऑफ ड्रॉइंग के बारे में गाइस, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर टू ऑर्गेनाइज अ मोबाइल ऐप ऑफ ए क्रिएटिंग पेपर वेयर हाउसेस, लाइक मतलब बेसिकली जिसमें आपको भाई मोबाइल ऐप की डिजाइंस, ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, फिर गाइस बिल्डिंग अ पेपर प्रोटोटाइप टू एड इंटरेक्टिविटी टू डिजाइन, उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है, फिर रिकॉग्नाइजिंग इम्प्लिसिट बोट्स, मतलब कैसे भाई आप बोट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, वो सब गाइस आपको बताया गया है। फिर अपन कोर्स फोर की बात कर ले गाइस, तो बेसिकली आपको कंडक्टिंग यूएक्स रिसर्च और टेस्ट अर्ली कॉन्सेप्ट्स के बारे में गाइस बताया गया है, आप देखो तो प्लानिंग यूएक्स रिसर्च स्टडी के बारे में बताया गया है गाइस, यहाँ पे आपको टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग अ यूजिबिलिटी स्टडी, फिर डेवलपिंग परसुएसिव प्रेजेंटेशन स्किल्स टू शेयर रिसर्च इनसाइट्स, कैसे आप उनको मॉडिफाई कर सकते हो, हर चीज गाइस आपको बताई गई है। अगर अपन शो मोर में जाए गाइस, तो आपको फिर दो तीन और मिल जाएंगे, जिसमें बेसिकली कोर्स फाइव की बात कर ले गाइस, तो आपको यहाँ पे भाई क्रिएटिंग हाईली फिडेलिटी डिजाइंस के बारे में बताया गया है और प्रोटोटाइप्स इन फिग्मा, तो आपने सिग्मा जैसे सुना होगा ना गाइस, तो वैसे ही एक फिग्मा होता है, तो फिग्मा में भी गाइस आपको बिल्डिंग मॉकअप्स क्या होते हैं, आइडेंटिफाइंग हाईली फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स इन फिग्मा, फिर डिफाइनिंग एंड अप्लाइंग कॉमन विजुअल डिजाइंस एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स, कैसे गाइस आप डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स बना सकते हो, फिर डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ डिजाइन सिस्टम्स कैन बी यूज टू ऑर्गेनाइज स्टैंडर्डाइज एंड एनहेंस डिजाइंस, फिर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ डिजाइन क्रिटिक सेशंस एंड फीडबैक व्हाइल इंटरेक्टिंग ऑन डिजाइंस, उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया है। फिर आपको गाइस बहुत सी चीजें यहाँ पे आप देखो तो लर्निंग हाउ टू हैंडल ऑफ फिनिश्ड डिजाइन प्रोडक्ट्स टू इंजीनियरिंग टीम्स, उससे भी रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। कंपाइलिंग मोबाइल ऐप डेव डिजाइंस टू इंक्लूड इन प्रोफेशनल यूएस पोर्टफोलियो, तो गाइस हर चीज यहाँ पे बताई गई है, तो जिनको भी गाइस एनरोल करना है डायरेक्टली ये वाला कोर्स एनरोल कर सकते हो। फिर अपन कोर्स सिक्स की बात कर ले गाइस, तो कोर्स सिक्स में आप देखोगे तो आपको रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन इन एडोब एक्सडी के बारे में बताया गया, जिसमें गाइस आप देखोगे तो अप्लाइंग ईच स्टेप्स ऑफ द यूएक्स डिजाइन के बारे में बताया गया गाइस, प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, क्रिएटिंग साइट मैप्स फॉर वेबसाइट डिजाइन के बारे में गाइस आपको बताया गया है, फिर इटरेट ऑन डिजाइन बेस्ड ऑन रिसर्च इनसाइट्स के बारे में गाइस आपको बताया गया है, वर्किंग विद वेब डिजाइनिंग इन एडोब एक्सडी, जो कि भाई डिफरेंट डिफरेंट एक्सडी, जो कि आप एडोब यूजर्स जो कि है भाई उन्हें पता ही होगा क्या क्या यूज होते हैं उनके। फिर गाइस आपको कोर्स सेवन में बेसिकली डिजाइनिंग अ यूजर एक्सपीरियंस के बारे में गाइस बताया गया है, जिसमें बेसिकली आपको सोशल कल्चर और प्रिपेयरिंग फॉर जॉब्स, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है गाइस कोर्स सेवन, जिसमें गाइस आपको 4.9 रेटिंग्स है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखो तो अप्लाइंग ईच स्टेप ऑफ द यूएक्स डिजाइन प्रोसेस के बारे में गाइस बताया गया है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डेडिकेटेड मोबाइल एप्स और रिस्पॉन्सेस को गाइस यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट वेब एप्स, फिर अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रेसिव एनहेंसमेंट के बारे में गाइस आपको बताया गया है, कैसे आप भाई पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हो, फिर आप गाइस इंटरव्यूइंग फॉर एन एंट्री लेवल यूएक्स डिजाइन के बारे में गाइस बताया गया है, और फिर डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं गाइस डिफरेंट फ्रीलांसिंग डिजाइन वर्क, जो कि भाई अगर अगेन अलग अलग गाइस डिजाइनिंग वर्क होते हैं उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया है, तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स है गाइस, और अगेन ये गूगल की तरफ से दिया जा रहा है, तो जिनको भी गाइस एनरोल करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा मैं आपको आखिरी बताऊंगा इसके कोर्सेस के बाद गाइस,
यहाँ पे लोगों कुछ कुछ डाउट भी हैं, आप ये भी देख सकते हो गाइस कि प्रोग्राम में भाई कुछ आपको फीस वगैरह देनी है क्या, फिर कई कितनी दिनों का है, तो आप ये सब भी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो गाइस। और फिर आपको अगर लग रहा है कि यार अच्छा कोर्स है मतलब लेने लायक है, और अभी गाइस कोरोना चल रहा है तो वैसे ही आप गाइस घर में रहते हो, तो घर में रहते हो तो गाइस इससे अच्छा कोई प्रोफेशनल आप कोर्स कर सकते हो, जिससे गाइस आपका और स्किल्स इंक्रीज होएगा और देन यू कैन अप्लाई इन एनी ऑफ द कंपनीज गाइस। ये और इसका भी मैटर करेगा इसके आपको ये अलग सर्टिफिकेशन भी मिला है, तो बहुत सी चीजें हो सकती है गाइस अच्छी सी। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हैं आराम से, जिनको भी गाइस, और इंस्ट्रक्टर्स भी आप देख सकते हैं गाइस जो कि भाई अगेन गूगल के ही होने वाले टॉप इंस्ट्रक्टर्स, तो बहुत ही अमेजिंग गाइस आप गूगल के टीचर से पढ़ने वाले हो गाइस। और फ्यूचर में भी गाइस आपको हो सकता है गाइस अगर जॉब वगैरह मिली तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी गाइस अगेन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए ही था, मतलब जो भी भाई कोई भी आप आईटी फील्ड के हो या सीएस फील्ड के हो, कोई भी फील्ड के हो गाइस, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा 9th नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि बेसिकली आईबीएम की तरफ से डेटा साइंस का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था आईबीएम का वो डेटा इंजीनियरिंग का था, अब ये गाइस आपका आईबीएम डेटा साइंस प्रोफेशनल का कोर्स है। इसमें भी आप देखोगे गाइस तो ऑलरेडी 52,484 स्टूडेंट्स, या ऑलरेडी यहाँ पे रेटिंग्स आप देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ पे 80,519 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस। तो यहाँ पे भी आप देखो गाइस तो आपको बेसिकली 100% ऑनलाइन होने वाला है, फ्लेक्सिबल वर्किंग शेड्यूल है गाइस, है ना। और फिर आपको गाइस बिगिनर लेवल का मिलने वाला है, अप्रोक्सीमेटली 11 months का होने वाला है। यहाँ पे आप बात कर लो गाइस तो आपको बेसिकली अलग अलग चीजें मिलेंगी, जिसमें आप इंपोर्टिंग क्लीन डेटा, एनालाइज, वर्चुअलाइज, विजुअलाइज डेटा, फिर यूजिंग पाइथन, डेवलपिंग हैंड ऑन स्किल्स, यूजिंग टूल्स, लैंग्वेजेस, लाइब्रेरीज, फिर अप्लाइंग वेरियस डेटा साइंस स्किल्स, जिसमें आपको बेसिकली टेक्निक्स के बारे में गाइस बताया जाएगा, कैसे आप स्किल्स को गेन कर सकते हैं यूजिंग डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग क्या क्या होता है, फिर बिग डेटा के बारे में गाइस आपको बताया गया है, फिर डेटा माइनिंग, गिटहब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, फिर जुपिटर नोटबुक्स, फिर आपको मेथोडोलॉजीज के बारे में गाइस आपको बताया गया है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा एनालिटिक्स होते हैं, पंडास होते हैं, हर चीज गाइस आपको बताई गई है। तो प्रॉपर आप यहाँ पे भी बात कर लो गाइस, तो ये बेसिकली आपका कोर्स वन में डेटा साइंस रिलेटेड होने वाला है, भाई व्हाट इज डेटा साइंस, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके यूजेस हैं, उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। फिर आप कोर्स टू में बात करो तो गाइस आपको टूल्स बताए गए हैं डेटा साइंस में, क्या क्या टूल्स यूज करते गाइस अपन डेली बेसिस पे यूजिंग डेटा साइंस। फिर गाइस आप देखोगे तो आपको बेसिकली यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेटा साइंस मेथड्स क्या क्या भाई मेथड्स होते हैं, इसमें आपको मेजर स्टेप्स बताए गए हैं भाई इन्वॉल्व्ड इन ट्रैकिंग भाई डेटा साइंस प्रॉब्लम्स, उनको भाई आप कैसे भाई डील कर सकते प्रॉब्लम क्या, यूजिंग बिजनेस मॉडल्स, डिफरेंट मॉडल्स गाइस आप बनाते हो। कोर्स फोर की बात कर लेंगे तो आपको पाइथन फॉर डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पाइथन के डेवलपमेंट के बारे में गाइस बताएंगे। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको आईबीएम अप्लाइड एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, फिर अप्लाइड इन डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन, आईबीएम डेटा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बारे में गाइस बताया जाएगा। फिर आप देखोगे तो कोर्स फाइव में गाइस आपको पाइथन प्रोजेक्ट फॉर डेटा साइंस के बारे में बताए जाएंगे, जिसमें आप देखोगे तो आपको कैसे भाई प्रोजेक्ट को आप डिफाइन यूज कर सकते हो यूजिंग डेटा साइंसेस। फिर गाइस आपको कोर्स सिक्स में बेसिकली डेटाबेस और एसक्यूएल के बारे में गाइस बताएंगे, जिसमें आपको यूजिंग पाइथन, तो गाइस पाइथन का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज है, उसका प्रॉपर यूज बताया जाएगा कि क्या कहाँ यूज होता है, यूजिंग वेबसाइट डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट। फिर गाइस आपको कोर्स सेवन में आपको मिलेगा कि डेटा एनालिटिक्स में पाइथन का क्या यूज है, तो आप देखोगे तो इम्पोर्टिंग डेटा सेट्स, क्लीनिंग द डेटा, डेटा फ्रेम मैनिपुलेशन, समराइजिंग द डेटा, बिल्डिंग मशीन लर्निंग रिग्रेशन मॉडल्स और बिल्डिंग डेटा पाइपलाइंस के बारे में गाइस बताया गया है। फिर गाइस आप देखो तो कोर्स एट में आपको डेटा विजुअलाइजेशंस की जो भी मेथड्स होती हैं उससे रिलेटेड भी गाइस आपको बताया गया क्या क्या चीजें हैं। कोर्स नाइन में गाइस आप देखो तो आपको मशीन लर्निंग विद पाइथन के बारे में बताया गया है, जिसमें गाइस आपको न्यू स्किल्स पता चलेंगे, क्या क्या स्किल्स होते हैं उससे भी रिलेटेड गाइस आपको बताया गया। और फिर गाइस आपका कोर्स 10 रहेगा, जो कि आपको बेसिकली डेटा साइंस कैपस्टोन के बारे में गाइस बताया गया है, जिसमें बहुत सी चीजें कवर हुई हैं, ए टू जेड गाइस आपको हर चीज बताई गई है। तो जिनको भी एनरोल करना गाइस आप डायरेक्टली ये भी एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा आज का लास्ट नंबर कोर्स आ जाता है गाइस, जो कि है फेसबुक का, फेसबुक मार्केटिंग एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है गाइस, ये मीटा की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं फेसबुक का नाम मीटा हो गया है गाइस। ऑलरेडी यहाँ पे 4.7 रेटिंग्स है और 9,411 स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं गाइस,
तो यहाँ पे आप देखो तो 100% ऑनलाइन होने वाला है, कलेक्टिंग सॉर्ट इवेल्युएट विजुअलाइजेशन मार्केटिंग डेटा के बारे में गाइस आपको बताया गया है, फिर डिजाइनिंग आप कैसे कर सकते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स उससे भी रिलेटेड गाइस आपको बताया गया है। यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या क्या स्किल्स मिलेंगे गाइस आप देख सकते हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डेटा एनालिसिस, फिर मार्केटिंग मिक्स ऑप्टिमाइजेशन के बारे में गाइस बताया गया है, पाइथन प्रोग्रामिंग क्या होता है, टेबुलो सॉफ्टवेयर, डेटा विजुलाइज को आप कैसे कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड बताया गया है। कोर्सेज की बात कर ले गाइस तो आपको कोर्स वन में पहले मार्केटिंग एनालिटिक्स फाउंडेशन के बारे में पता चलेगा, फिर कोर्स टू में गाइस आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा डेटा एनालिटिक्स का, कोर्स थ्री में गाइस आपको स्टैट्स बताया जाएगा मार्केटिंग का, कोर्स फोर में गाइस आपको डिफरेंट मेथड्स क्या क्या होती है मार्केटिंग की वो बताई जाएंगी, कोर्स फाइव में गाइस आपको मार्केटिंग एनालिटिक्स विद फेसबुक उससे रिलेटेड गाइस आपको बताया जाएगा, कोर्स सिक्स में गाइस आपको मीटा मार्केटिंग साइंस सर्टिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो जिनको भी एनरोल करना गाइस आप कर सकते हैं। अब मैं आपको गाइस ट्रिक बता देता हूं कैसे क्या आपको एनरोल करना है, ठीक है? तो मैं दो मिनट के लिए भाई स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग, फिर मैं आपको बता रहा कैसे क्या करना है, ठीक है? तो दो मिनट के लिए आप मेरे को दो मिनट समय दो गाइस, मैं ओपन करके आपको बता रहा हूँ, है ना? तो सबसे पहले गाइस मेरे को चले जाना है, लेट मी ना गाइस, तो मैं आपको भाई पहले बता देता हूँ, मैं निकाल लूँ फिर मैं आपको भाई स्क्रीन शेयर कर रहा कैसे क्या करना है आपको। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ ना गाइस आपको वैसे एनरोल कर लेना है और फिर आपको हर चीज पता चल जाएगी, ठीक है? तो गाइस ये जो मैंने आपको बेसिकली, मैं एक मिनट ले वो आपको शेयर कर दूं। हाँ गाइस, ठीक है, तो आपको मैं एक पीडीएफ बेसिकली शेयर कर रहा हूँ, तो आप इसकी गाइस फोटो खींच सकते हो। तो इसमें बेसिकली आप देखोगे तो आपको आंसर वन में दिख रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, जैसे मेरे को डेटा एनालिटिक्स और विजुअलाइजेशन का कोर्स चाहिए था, तो ये आंसर वन जो है ना इसकी आप फोटो खींच लो या स्क्रीन शॉट ले लो आंसर वन की। फिर गाइस ये आपके सामने आंसर टू है, ये आप पढ़ सकते हो और इसकी भी फोटो खींच लो गाइस अपने हिसाब से, और ये आपका गाइस आंसर थ्री है, ठीक है? तो आप इनकी फोटो खींच सकते हो वीडियो को स्टॉप करके, और डायरेक्टली गाइस जो मैंने आंसर आपको लिख के दिया ना यही आपको वहां पे लिखना है, ठीक है? आप कैसे लिखना है गाइस मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आपको बेसिकली कोई भी कोर्सेस मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, ठीक है? तो अब इनको लेना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जैसे मान लो ये वाला मेरे को कोर्स चाहिए गाइस, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फाइनेंशियल एड अवेलेबल, तो फाइनेंशियल एड अवेलेबल को क्लिक करना है आपको। फाइनेंशियल एड अवेलेबल को जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा, आपको अगेन इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। कंटिन्यू विद गूगल करोगे आपको डायरेक्टली जो भी आपका अकाउंट है गाइस उस अकाउंट से आप डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, और जैसे ही गाइस आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये गाइस आपके सामने दिख रहा होगा फाइनेंशियल एड अवेलेबल, तो गाइस ये आपको ये नहीं करना क्लिक, अगर आप ये क्लिक करोगे तो आपको गाइस पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है फाइनेंशियल एड अवेलेबल, इसको गाइस आपको क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो एप्लीकेशन टेक एट लीस्ट 15 डेज टू गेट रिव्यूड। तो गाइस बेसिकली क्या होता है, जो कि मैंने आपको आज तीन आंसर्स बताए ना, उन तीन आंसर्स को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करो, ठीक है, कंटिन्यू टू द एप्लीकेशन। तो जैसे ही गाइस आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने दिख जाएगा भाई फाइनेंशियल एड, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस आपको इन दोनों को टिक कर लेना है, और ये जो लिखा हुआ है ना ये भी आपको भाई एज इट इज लिख लेना है, ठीक है? ये भाई आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे गाइस आपको इसको पेस्ट कर लेना, ठीक है? जैसे आप पेस्ट कर दोगे फिर कंटिन्यू कर लेना गाइस। तो जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस फिर खुल जाएगा गाइस। यहाँ पे आपको बोलेगा गाइस आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, तो आपको गाइस अपना बैकग्राउंड डालना है। आप कॉलेज के हो तो कॉलेज डाल सकते हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री, तो जैसे कॉलेज में डाल देता हूँ। एनुअल इनकम गाइस आपको जीरो रख लेनी है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में गाइस आप फुल टाइम पार्ट टाइम या स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे गाइस अपना यूएस डॉलर जीरो रख सकते हो। पर मंथ गाइस आप पर कोर्स कुछ भी कर दो उसमें जीरो लिख देना। अब गाइस आपका मेन चीज ये चालू होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर फाइनेंशियल एड। तो गाइस जो कि मैंने आपको पहला आंसर बताया हुआ ना ये पूरा गाइस आपको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है? तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। एक मिनट,
है ना गाइस, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। और फिर सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो सेकंड का भी जो आंसर है ये भी आपका स्क्रीनशॉट मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप इसका भी डायरेक्टली स्क्रीन फोटो लेके गाइस आपको ये कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। और जो थर्ड है आपका ये आपको नो कर लेना है गाइस, और फिर उसका इफ यू आंसर्ड प्लीज हेल्प अस कंसीडर, और ये जो थर्ड आंसर है ये थर्ड आंसर में गाइस आपको ये वाला आंसर लिख देना है, ठीक है। तो जैसे ही गाइस आप लिख दोगे और फिर आई एम नॉट अ रोबोट करके गाइस आप सबमिट कर दोगे, तो 15 डेज बाद आपको गाइस ये वाला जो कोर्स है ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस, जो कि आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दी है उसमें आपको आ जाएगा कि गाइस आपकी फाइनेंशियली अप्रूव हो गई है और आपको 15 डेज बाद आपको ये फ्री एक्सेस मिल जाएगा गाइस। तो जैसे ही आपको फ्री एक्सेस मिलेगा तो आपको उसका प्रॉपर कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है गाइस ये, आपको हर सॉरी जितनी मैंने आपको कोर्सेज बताए गाइस आपको हर में यही यही करना है ट्रिक, ठीक है। आपको हर में बताया फाइनेंशियल एड अवेलेबल क्लिक कर देना है, फाइनेंशियल एड अवेलेबल का जो जो मैंने आपको आंसर बताया ना वही आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। तो आपको हर जितने भी कोर्सेज सब में अप्लाई कर दो, 15 डेज बाद गाइस आपको सब में फाइनेंशियल एड मिल जाएगी ऑटोमेटिकली एंड यू कैन अप्लाई, और सभी को मिल जाती गाइस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली ये खोल के आपको डायरेक्टली, और जितने मैंने आपको कोर्सेज बताए हैं मैं सबके आपको लिंक दे दूंगा, सबको गाइस आपको फाइनेंशियल एड अवेलेबल पे क्लिक करना और यू कैन डायरेक्टली एनरोल ऑन दैट कोर्सेज गाइस, ठीक है। तो मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ गाइस, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप्स के साथ, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, अब मैं इंटर्नशिप्स के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स के लिए मैं बेसिकली इंटर्नशिप्स में चले जाता हूँ गाइस, तो मैं बेसिकली गाइस आपको अगेन आज 10 इंटर्नशिप्स बताने वाला हूँ। आपने कोर्सेज वगैरह देख लिए गाइस और मैंने आपको बता भी दिया फाइनेंशियल एड करके गाइस आप प्रॉपर आंसर्स लिख के आप फ्री में एक्सेस ले सकते हो हर कोर्सेज का गाइस, ठीक है। और तो सबसे पहले गाइस अपन इंटर्नशिप्स में बात कर ले, जो कि पहली है गाइस आपकी मार्केटिंग इंटर्नशिप और ये सिप्ला कंपनी की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पे आप देखो गाइस तो स्टार्ट डेट इमीडिएटली, ड्यूरेशन 2 मंथ्स की होने वाली है। स्टाइपेंड गाइस आपको 7500 टू 10,000 मिलेगा पर मंथ एंड यू कैन अप्लाई बाय 15 February 2022। तो गाइस यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली गाइस आप देखोगे तो आपका भाई ये सब नॉलेज होना चाहिए गाइस आपको, आपका काम क्या होने वाला अपन देख लेते हैं। एक्सटेंसिव सेकेंडरी और प्राइमरी रिसर्च एट द स्टेट लेवल, फिर गाइस आपको बेसिकली यहाँ पे आपको सर्वे लेना पड़ेगा टोबैको रिलेटेड मॉर्बिडीज का गाइस, आपको भाई डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसको क्रिएट करना पड़ेगा और फिर आपको अलाइन करना पड़ेगा टॉप स्टेक होल्डर से रिलेटेड। तो गाइस हर चीज आपको बताई जाएगी एंड यू और नंबर ऑफ ओपनिंग्स गाइस 2 है। तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आपको मार्केटिंग इंटर्नशिप में सिप्ला हेल्थ की तरफ से, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
अब हमारी सेकंड इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि वन प्लस की तरफ से दी जा रही ग्राफिक डिजाइनिंग की इंटर्नशिप है गाइस, और वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप होने वाली। यहाँ पे भी गाइस आप देखो तो स्टार्ट डेट इमीडिएटली, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होने वाली गाइस। स्टाइपेंड आपको 25,000 पर मंथ दिया जाएगा एंड यू कैन अप्लाई बाय 15 फरवरी 2022। यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो बेसिकली गाइस आपका काम क्या होने वाला, आपको बेसिकली सपोर्टिंग कोलैबोरेट विद सीनियर डिजाइनर्स ऑन वेरियस डिजाइन रिक्वायरमेंट फ्रॉम मल्टीपल बिजनेस टीम्स, अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड, आप कैसे भाई ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्रिएटिंग स्किल्स एडोब फोटोशॉप के जरिए गाइस आपको हर चीज बताई जाएगी आपको ट्रेनिंग सेशन में गाइस। तो जिनको भी अप्लाई करना है आप डायरेक्टली कर सकते हैं वन प्लस की इंटर्नशिप में गाइस ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है। अब हमारी थर्ड इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इंटर्नशिप है और हंगामा डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पे भी गाइस आप देखो जो स्टार्ट डेट इमीडिएटली, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होने वाली है और स्टाइपेंड गाइस आपको 5,000 दिया जाएगा पर मंथ एंड यू कैन अप्लाई बाय 15 फरवरी 2022। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे आपके रोल्स होने वाले हैं, तो आप पढ़ सकते हो बेसिकली यहाँ पे स्किल्स रिक्वायर्ड में आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी गाइस आपको वर्बली और लिखते आनी चाहिए गाइस और बोलते भी आनी चाहिए प्रॉपर आपको गाइस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से भी रिलेटेड आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन दिस ऑल्सो, ठीक है। मैं आपकी डायरेक्टली हर की आपको इंटर्नशिप की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस, और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप अगर इतनी सारी इंटर्नशिप देख रहे हो, जब आप 10 या 15 इंटर्नशिप में अप्लाई करोगे तब जाके आपको एक या दो से आपको कॉल आएगा गाइस। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप सब इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर दो अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि बेसिकली सेशन रिव्यू होने वाली है। बेसिकली यहाँ पे गाइस आपको कोर्स चेक करना है, मतलब जो जो कोर्सेज भाई वेदांतु की तरफ से दी जा रही है, और वेदांतु गाइस अपन जानते हैं एक एडटेक कंपनी है, तो जो भी वो कोर्सेज डिजाइन करती हैं उनको गाइस आपको देखना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं, कुछ कमी है या कुछ ज्यादा है, तो वो आपको गाइस अपने इमीडिएट सुपरवाइजर को बताना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट इमीडिएटली है, ड्यूरेशन 3 मंथ्स की होने वाली, स्टाइपेंड यू विल बी गेटिंग 5,000 to 10,000 पर मंथ गाइस, और आपको कॉलेज लेवल में ही मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई बाय 16 फरवरी 2022। तो यहाँ पे गाइस आप देखोगे तो बेसिकली गाइस आपको क्रिएटिंग और मेंटेनिंग अ पॉजिटिव और प्रोफेशनल लर्निंग एनवायरनमेंट, फिर मॉनिटरिंग एंड मेजर इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल सेशंस एंड शेयरिंग फीडबैक्स, बहुत सी चीजें गाइस आपको यहाँ पे बताई गई है, परफॉर्मिंग वन रिलेटेड ड्यूटीज एज असाइंड और रिक्वेस्टेड। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हैं, नंबर ऑफ ओपनिंग्स आप देख सकते हैं 3 है, ठीक है। तो आराम से जिनको भी गाइस अप्लाई करना, यू कैन अप्लाई एट वेदांतु एज वेल, ठीक है। अब हमारी 5th नंबर की इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की इंटर्नशिप है और ये टाइम्स इंटरनेट की तरफ से दी जा रही गाइस। दिल्ली आप लोकेशन देख सकते हैं, दिल्ली गुड़गांव है, बट अगेन ये वर्क फ्रॉम होम होने वाली, अगर नीचे रेड बॉक्स नहीं है तो। हाँ गाइस, तो आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि भाई इसमें वर्क फ्रॉम होम है, ठीक है। स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं इमीडिएटली है, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होने वाली है, स्टाइपेंड आप देखो तो 5,000 पर मंथ है एंड यू कैन अप्लाई बाय 16 फरवरी 2022। ऑलरेडी यहाँ पे 173 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं गाइस, तो कंपटीशन बहुत है, तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो तो क्रिएटिंग ओरिजिनल टेस्ट और क्रिएटिव्स, मैनेज पोस्ट और रिस्पॉन्ड टू फॉलोअर्स, तो गाइस ज्यादा काम नहीं है आपका, बेसिकली आपको गाइस उनके जो कि सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो सब आपको संभालने पड़ेंगे गाइस। फिर डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंट सोशल मीडिया स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, फिर मैनेजिंग द सोशल मीडिया हैंडल विद रेगुलर कंटेंट एंड क्रिएटिविटी, और वर्किंग क्लोजली विद डिजाइनर्स टू क्रिएट क्लटर ब्रेकिंग न्यू क्रिएटिव, गाइस ये सब आपका काम होने वाला है। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ ओपनिंग्स 2 है गाइस, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग इंटर्नशिप है, बीएमएस की तरफ से दी जा रही बुक माय शो, तो गाइस अगेन बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप है गाइस। ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो तो 111 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हो, स्टार्ट डेट इमीडिएटली, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की होने वाली गाइस, और स्टाइपेंड गाइस आपको 7500 दिया जाएगा पर मंथ एंड यू कैन अप्लाई बाय 18 फरवरी 2022। तो यहाँ पे भी गाइस आप देखोगे तो आपको बेसिकली सोशल मीडिया में क्या क्या चीजें होती हैं, राइटिंग पोस्ट कैप्शंस, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग वीकली कंटेंट कैलेंडर, हर चीज गाइस आपको बताई गई है। बस अब यहाँ पे आप देखो तो रेड बॉक्स मतलब भाई जो भी इस लोकेशन से बिलोंग करते हैं मुंबई, वो ही लोग बस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और कोई यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता गाइस, ठीक है। तो इस बात का आपको याद रखना, अगर आप मुंबई के रहने वाले हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि वीडियो मार्केटिंग एडिटिंग इंटर्नशिप होने वाली है और ये ग्रो की तरफ से दी जा रही है। तो ग्रो आप जानते हो गाइस एक बेसिकली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कंपनी है, तो वहां की तरफ से दी जा रही गाइस, और स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं इमीडिएटली है एंड यू कैन अप्लाई बाय 11 फरवरी 2022 गाइस। ड्यूरेशन 3 मंथ्स का होने वाला और स्टाइपेंड गाइस आपको 15,000 दिया जाएगा पर मंथ।
तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे आप देखो तो 462 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। और बेसिकली आपका काम क्या होने वाला, तो गाइस आपको वीडियो प्रोडक्शन, क्रिएटिंग, एडिटिंग, कलर करेक्शन, साउंड मिक्सिंग, आपको बेसिकली सब एडिटिंग वगैरह का काम होने वाला है गाइस। फिर एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट विजुअल स्टोरी टेलिंग मेथड, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको बतानी पड़ेगी, एडोब प्रीमियर प्रो और इलस्ट्रेटर से रिलेटेड गाइस हर चीज आपको बताई जाएगी। तो नंबर ऑफ ओपनिंग्स 1 है गाइस, तो जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कॉम्पिटिशन बहुत है गाइस। तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई करो, अपना रिज्यूमे अच्छा बनाओ गाइस। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कैसे क्या अप्लाई करते हैं मेरे एक पुराने वीडियोस में गाइस, तो आप वो भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा वाला वीडियो। मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक, तो आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशाला में, ठीक है गाइस। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप गाइस जो कि बेसिकली मार्केटिंग इंटर्नशिप, और ये मेक माय ट्रिप की तरफ से दी जा रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो लोकेशन गुड़गांव या बैंगलोर दिखा रहा है गाइस, तो अगर आप गुड़गांव या बैंगलोर से बिलोंग करते हो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेड बॉक्स आ रहा है गाइस, ठीक है। स्टार्ट देख देखे तो अपन इमीडिएटली, ड्यूरेशन 2 months की होने वाली गाइस। स्टाइपेंड आपको 2000 दिया जाएगा पर मंथ एंड यू कैन अप्लाई बाय 18 February 2022। ऑलरेडी यहाँ पे 154 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं गाइस। यहाँ पे बेसिकली आपको कनेक्टिंग विद ट्रेवल पार्टनर्स और इंश्योरिंग प्रोडक्ट रिकॉलिंग ट्रेनिंग और बिजनेस पार्टनर्स, मॉनिटरिंग ऑफ डेटा एंड कॉल प्लानिंग और प्रिपेयरिंग डिटेल रिपोर्ट्स एंड फीडबैक स्क्रॉल्स, तो ये सब गाइस आपका काम होने वाला है। और नंबर ऑफ ओपनिंग्स 2 है, तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज की इंटर्नशिप और HCL टेक्नोलॉजीज की तरफ से दी जा रही है गाइस। लोकेशन लखनऊ दिखा रहा है गाइस, तो आप अगर लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी रेड बॉक्स आ रहा है गाइस, ठीक है। स्टार्ट डेट आप देखो तो इमीडिएटली, ड्यूरेशन 3 months की होने वाली गाइस। स्टाइपेंड गाइस आपको 3500 to 6000 दिया जाएगा पर मंथ एंड यू कैन अप्लाई बाय 14 March 2022। तो टाइम है गाइस इस इंटर्नशिप में, बट आप जल्दी से जल्दी अभी अप्लाई कर दो। ऑलरेडी यहाँ पे 130 एप्लीकेंट्स अप्लाई कर चुके हैं। तो बेसिकली आपका काम क्या होने वाला है, जिसमें आपको कॉलिंग एंड सोर्सिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम द गिवन डेटाबेसेस, स्क्रीनिंग रिज्यूम्स और शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स, शेड्यूलिंग जॉब्स इंटरव्यूज एंड असिस्टिंग इन द इंटरव्यूज प्रोसेस, काउंसलिंग द स्टूडेंट्स, फिर कोऑर्डिनेटिंग फॉर इंटरव्यूज, फिर हैंडलिंग द एंटायर रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल। तो गाइस आपको रिक्रूटमेंट लाइफ साइकिल भी आपको यहाँ पे संभालनी पड़ेगी, फिर टेकिंग इंटरव्यूअर्स एंड स्क्रीनिंग एंड कैप्शनिंग। तो गाइस ये सब आपका काम होने वाला है, जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, बट आपकी लोकेशन गाइस लखनऊ होनी चाहिए तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ ओपनिंग्स 20 है गाइस, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस, जिनको भी अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आप लखनऊ रीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है। अब आज की गाइस हमारी लास्ट इंटर्नशिप आ जाती है गाइस, जो कि HR की इंटर्नशिप होने वाली है। ये भी गाइस गुड़गांव लिखा हुआ है, अपन देख लेते हैं, रेड बॉक्स है, मतलब सब गाइस गुड़गांव वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड़गांव या दिल्ली रीजन के गाइस तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और ये स्पाइस जेट की तरफ से दी जा रही है गाइस, तो बहुत ही अमेजिंग इंटर्नशिप होने वाली है। स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं गाइस इमीडिएटली, ड्यूरेशन 3 months की होने वाली गाइस। स्टाइपेंड आपको 6000 दिया जाएगा पर मंथ and you can apply by 16 February 2022। already यहाँ पे guys 312 applicants apply कर चुके हैं, तो competition बहुत है guys, तो जल्दी से जल्दी आप apply कर सकते हैं। आपका basically काम क्या होने वाला guys, तो assistant HR human resources functions में guys आपको काम करना पड़ेगा। back end में basically वो आपको proper training में बताएंगे क्या क्या काम होने वाला है, तो उसकी आप टेंशन नहीं लो गाइस, हर चीज आपको बताई जाएगी। फिर गाइस बेसिकली आपको प्रिपेयरिंग डेटा एंड HR ऑपरेशंस, क्या क्या डिफरेंट HR ऑपरेशंस होते हैं, जैसे भाई रिक्रूटमेंट, फिर आपको गाइस आपको उनकी रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी। रिपोर्ट्स बनाने की गाइस आपको फिर उनको भाई अपने स्प्रेडशीट में डाल के अपने भाई सुपरवाइजर को भेजना पड़ेगा, जो कि आपसे HR की पोस्ट में और ज्यादा गाइस फुल टाइम पे हैं, उनको गाइस आपको भेजना पड़ेगा। और असिस्टिंग इन मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस, उनके भाई सैलरी रिलेटेड गाइस ये सब भी आपको संभालने पड़ेंगे। स्किल्स की बात कर लें गाइस, आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, तो बहुत ही अच्छी बात है गाइस। यहाँ पे अपन पर्क्स की बात कर लें गाइस, तो आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी, एक बेसिकली ड्रेस कोड होने वाला गाइस, और आपको 5 days यहाँ पे काम करना पड़ेगा, मतलब सैटरडे संडे आपकी गाइस छुट्टी होने वाली है। और नंबर ओपनिंग्स 2 है गाइस, तो जिनको भी अप्लाई करना गाइस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको गाइस आज 5 इंटर्नशिप बताई, जो कि सिप्ला की है, वन प्लस की है, हंगामा की है भाई, फिर आपको वेदांतु की मैंने बताई है, टाइम्स इंटरनेट की बताई है, बुक माई शो, ग्रो, मेक माई ट्रिप,
HCL Technologies और लास्ट गाइस SpiceJet। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, मैं प्रॉपर आपको भाई शुरू में स्टार्टिंग में कोर्सेरा के सर्टिफिकेट वो दे दूंगा आपको, कोर्सेज वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और फिर गाइस आपको इंटर्नशिप्स की मैं प्रॉपर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऑर्डर वाइज। तो जिनको भी गाइस अप्लाई करना आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हो गाइस, प्लस आप मेरे को लिंक्डइन और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो गाइस, ठीक है। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर दो, जिससे मेरे 500 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतने ही रखते हैं गाइस, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द स्पेशल संडे लेक्चर गाइस, अब अपन नेक्स्ट संडे मिलेंगे फिर से स्पेशल संडे के साथ, ठीक है। गुड बाय गाइस, बाय बाय बाय।